हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 100% नेचुरल आयुर्वेदिक रेसिपी की, जो आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। कितने भी बाल झड़ रहे हों, कितने भी बाल रूखे सूखे हों, या फिर आप कह सकते हैं कि कितने भी बाल आपके डैमेज हो चुके हों केमिकल ट्रीटमेंट से, इस रेमेडी से आपके बाल अच्छे होंगे। झड़ रहे हैं तो रुकेंगे, प्री मेच्योर ग्रोइंग है तो भी इसके लिए हेल्पफुल है। साथ ही साथ अगर झाड़ू जैसे बाल हैं, बहुत ही ज़्यादा ड्राई हेयर हैं, उसके लिए भी ये ज़्यादा अच्छा है हेयर पैक। और साथ ही साथ अगर आपके केमिकल ट्रीटमेंट हुआ है, लाइक आपने रिबॉन्डिंग कराई है, या फिर आप केमिकल डाइज वगैरह लगाते हैं, तो आपके जो बाल हैं वो रफ़ हो रहे हैं, तो इस वाले पैक को लगाने से आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। ये 100% नेचुरल है, आपकी किचन में इजीली अवेलेबल होगा। सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होंगे, एक एक करके मैं आपको बताऊंगी किस तरह से इसको बनाना है, किस तरह से लगाना है। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड तक मैंने एक दो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। सो यहाँ पे मैंने 4 से 5 इंग्रेडिएंट्स लिए हैं जो आपके किचन में अवेलेबल हैं, आपको कहीं भी रश नहीं करना पड़ेगा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स जब अवेलेबल होंगे तो इट वुड बी ईजी फॉर यू टू अप्लाई। तो इसको ज़रूर बनाइएगा और ट्राई करिएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपकी वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए। घंटा तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है मेथी सीड्स, फेनुगेक सीड्स जिसको हम कहते हैं, वो मैंने ली है। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने फेनुगेक सीड्स को रात को थोड़े से पानी में भिगो के रख दिया था, सोक किया था। आप इसको चाहें तो 24 घंटे के लिए भी सोक कर सकते हैं, और आप अगर आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, इसमें पानी थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डाला था, पानी ज़्यादा डालने की वजह कुछ अलग थी, इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। सेकेंड बाउल में मैंने 1 चम्मच कलौंजी ली थी, और कलौंजी को भी मैंने भिगो के रख लिया था, रात भर पानी में भिगोया है। ये मैंने आपको शो करने के लिए अलग अलग बाउल्स में भिगोया है, आप चाहें तो इनको एक ही बाउल में इकट्ठा करके भिगो सकते हैं। सुबह जब ये फूल जाएंगे तो आप इसको छान लीजिएगा, छान लीजिए। और ये जो पानी है, ये पानी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको फेंकना नहीं है आपने। अभी हम इसको रखेंगे साइड में। तो हमारे पास है 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच है कलौंजी सीड्स सोक की हुई, और साथ ही साथ 1/2 ग्लास पानी इनका। नाउ नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है, जो मेन इंग्रेडिएंट है हमारा, वो है कोकोनट, ये है नारियल। नारियल को मैंने पतला पतला काट लिया है, 1 नारियल को मैंने छिला था, और आधे नारियल, आधे से भी थोड़ा सा कम नारियल मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, छोटा छोटा पतला पतला काट लिया है। उसके बाद हम इसको डालेंगे ब्लेंडर में। ब्लेंडर में डालने के बाद हमने यहाँ पे यूज़ किया है 1 आंवला। यहाँ पे मैंने 1 आंवला यूज़ किया है, फ्रेश आंवला मैंने यूज़ किया है। अगर आपके पास आंवला हो तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें आंवला पाउडर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आंवला पाउडर आप यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपके पास आंवला पाउडर है तो इसको हम बाद में ऐड करेंगे। अगर फ्रेश आंवला है तो आप इसको मिक्स कर दीजिएगा नारियल में, और जो पानी हमने निकाला था थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। इसका हमने निकालना है रस, दूध निकालना है इसका। और जो पानी मैंने यूज़ किया है आंवला और कलौंजी का, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर डालिएगा, और कोई भी प्लेन पानी नहीं डालना है इसमें। इस तरह से आपने इसको ब्लेंड करना है, ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा पानी और डाल दीजिएगा, और इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। ब्लेंड अच्छे से इसलिए करना है क्योंकि अगर अच्छे से ब्लेंड करेंगे तो इसका मैक्सिमम इसका दूध निकलेगा, इसका रस निकलेगा, और बेनिफिट होगा आपको। फेनुगेक सीड्स, जो मेथी पाउडर होता है, मेथी दाने होते हैं, आपके हेयर लॉस को प्रिवेंट करते हैं, डैंड्रफ से फाइट करते हैं, आपके बालों को कंडीशन करते हैं, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, प्री मेच्योर ग्रेइंग अगर है तो उसको कम करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ये है, और इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिससे कि आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा नरिशमेंट भी मिलता है। नेक्स्ट जो मैंने यूज़ किया है कलौंजी, कलौंजी तो आप जानते हैं गंजे सिर पे भी बाल उगा देता है, ये भी आपके हेयर लॉस को फाइट करता है, डैंड्रफ को कंट्रोल करता है, प्री मेच्योर ग्रेइंग को कम करता है, आपके हेयर को स्ट्रेंथन करता है इनसाइड, और कंडीशन करता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो आपके हेयर को स्ट्रेंथन देता है, और साथ ही हेयर कंडीशनर का काम करता है। इसको आप 2 से 3 टाइम्स अ वीक यूज़ करेंगे। अगर आप इसको, इस पैक को 2 बार वीक में यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट जो हमने यूज़ किया है कोकोनट मिल्क। फ्रेंड्स, कोकोनट ऑयल तो हम यूज़ करते ही हैं, और आपको पता है कि कोकोनट ऑयल भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बट कोकोनट मिल्क उससे भी ज़्यादा अच्छा होता है।
नाउ कोकोनट मिल्क क्यों अच्छा होता है? कोकोनट मिल्क में लॉरिक एसिड ज़्यादा होता है, प्रोटीन ज़्यादा होता है, विटामिन सी, ई, B1, B3, B5, B6 होता है और ये हेयर लॉस को कम करता है, डीपली पेनिट्रेट होकर आपके ड्राई हेयर को रिस्टोर करता है, ड्राई स्कैल्प को भी ठीक करता है जिससे कि आपके हेयर लॉस कम होता है और अगर आपके बालों में अच्छे से मॉइस्चर चला जाएगा तो आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो कोकोनट मिल्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आएगा कि मैम कोकोनट मिल्क हमें नहीं मिल रहा है, तो आप घर पे इजीली बना सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे मार्केट वाला यूज़ नहीं किया है और आपको शो किया है कि किस तरह से कोकोनट मिल्क निकाल सकते हैं। तो कोकोनट मिल्क आप यूज़ करिए हो सके तो, अगर नहीं है तब आप रॉ मिल्क यूज़ कर सकते हैं, कच्चा दूध यूज़ कर सकते हैं, गाय का दूध हो तो और अच्छा है, अदरवाइज़ कोई भी गाय कोई भी कच्चा दूध आप कोकोनट मिल्क की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है आंवला। आंवला तो आप सबको ही पता है कि हमारे बालों के लिए अच्छा होता है, हेयर लॉस के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, डैंड्रफ के लिए, आपकी स्कैल्प को क्लीन करता है, आपकी स्कैल्प की पिगमेंटेशन को इम्प्रूव करता है, नेचुरल हेयर कंडीशनर का काम करता है, प्रीमेच्योर ग्रेइंग को कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, आपके बालों को थिक करने में हेल्प करता है, फ्रीजी हेयर में हेल्प करता है और नेचुरल शाइन देता है और आपके हेयर कलर को भी इम्प्रूव करता है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इन सब इंग्रेडिएंट्स के। इनको अच्छे से हमने मिक्सी में पीस लेना है, जितना भी इसका रस आप निकाल सकते हैं इसको अच्छे से निकाल लीजिए, क्योंकि इसमें है कोकोनट और आंवला जो कि यूज़फुल है हमारे इंटरनली हेल्थ के लिए भी। अब हमने यहाँ पे इसका दूध निकाल लिया है। दूध निकालने के बाद जो मैंने मेथी सीड्स और कलौंजी निकाला था सोक किया हुआ, उसको भी हमने ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के लिए यहाँ पे आपने वही वाला पानी यूज़ करना है। तो पानी देखा आपने कि यूज़ हो गया है, हमने फेंका नहीं है एक भी बूंद, नॉर्मल पानी हमने यूज़ नहीं किया है और जो भी इसके न्यूट्रिएंट्स थे फेनुगेक सीड्स के, कलौंजी के पानी में आ गए थे वो भी हमने यूज़ कर लिए हैं। सो ज़ीरो वेस्टेज हमने की है और 100% नेचुरल और इफ़ेक्टिव ये फेस सॉरी 100% नेचुरल और इफ़ेक्टिव ये हेयर मास्क बनाया है। तो इसको भी आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अच्छे से जब ब्लेंड करेंगे तो ये बहुत ही क्रीमी और स्मूथ टेक्सचर का हो जाएगा। तो आपने इसको मिक्स कर देना है आपके मिल्क में जो हमने निकाला था कोकोनट और आंवला जूस का, उसमें अच्छे से मिक्स कर देना है। इसके बाद हमने यूज़ करना है यहाँ पे कैस्टर ऑयल। नाउ फ्रेंड्स, कैस्टर ऑयल गंजे बालों, गंजे सिर पे भी बाल उगा देता है। कैस्टर ऑयल आपके बालों को मॉइस्चर देता है, हेयर लॉस हो रहा है तो आपके हेयर को हेयर की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, साथ ही साथ आपकी रूट्स से आपके हेयर को मजबूत करता है। तो कैस्टर ऑयल पे भी बहुत सारे मेरे वीडियोस हैं। तो जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए आप देख सकते हैं कि ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर रियली वेरी पावरफुल और 110% टाइम श्योर कि ये हेयर पैक वर्क करता है और पहली बार में ही आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आपने एक चम्मच डालना है कैस्टर ऑयल और उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लेवेंडर ऑयल डाला है जो कि 2 से 3 बूंदें डाली, चाहें तो इसमें डाल सकते हैं अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये हेयर मास्क बनाना है, उसके बाद आपने इसको लगाना है धुले हुए बालों में। मैंने फ्रेंड्स आज ही बाल धोए और उसके बाद इसको अप्लाई कर रही हूँ। आई एम कंसंट्रेटिंग ऑन माई रूट्स, सो रूट पे मैंने इसको अप्लाई किया है, कंसंट्रेट किया है। अच्छे से आप लेयर बाय लेयर इसको अप्लाई करें और फिर आप अपने बालों पे भी इसको स्प्रेड कर सकते हैं और इसको आप अच्छे से लगा के और शावर कैप ज़रूर लगा लें क्योंकि विंटर सीजन है, विंटर सीजन में ठंड लगने के चांसेस होते हैं। तो आप शावर कैप लगाएंगे तो आपको ठंडी हवा कांटेक्ट में नहीं आएगी आपके सिर के और आपका सिर भारी नहीं होगा। तो इस तरह से कोई भी हेयर पैक लगाते हैं तो आप शावर कैप ज़रूर यूज़ करिएगा, तो बहुत अच्छे बेनिफिट्स होंगे आपको विंटर्स के लिए। और उसके बाद आपने आधे घंटे तक इसको रखना है, आधे घंटे के बाद अपने हेयर को वॉश करना है। पूरा प्रोसेस जो है आपने वीक में एक बार करना है, कम से कम एक बार वीक में आप करें। कंटिन्यूस 3 से 6 महीने करेंगे तो आपके बालों में बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट नज़र आएगा। फर्स्ट एप्लीकेशन में भी आपको इसके रिजल्ट्स विजिबल हो जाएंगे। आप ये वीडियो और ऐसे कई वीडियो मेरे सिमसिम स्टोर पे देख सकते हैं, वहाँ पे वीडियो देखते देखते इनको परचेज भी कर सकते हैं। यू कैन सी दिस एंड मैनी मोर वीडियोज ऑन माई सिमसिम स्टोर, यू कैन परचेज प्रोडक्ट्स वाइल वॉचिंग वीडियोज। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए बेल बटन को जरूर दबाइएगा। तो आगे मिलते हैं अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।